बालाघाट से बड़ी खबर, जहां बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक 12 लाख का इनामी नक्सली मार गिराया गया है। हॉक फोर्स और पुलिस बल को बड़ी सफलता मिली है। 12 लाख इनामी नक्सली को मारा गया है। पाथरी चौकी हर्रा टोला के जंगल में ये मुठभेड़ हुई पुलिस और नक्सलियों के बीच, जहां पुलिस बल को बड़ी सफलता हाथ लगी। 12 लाख के इनामी नक्सली को मारा गया है। बता दें 12 लाख का इनाम था इस खूंखार नक्सली पर, और पुलिस बल ने आज जैसे ही मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग करना शुरू की, सफलता हाथ लगी पुलिस बल को और 12 लाख के इस इनामी नक्सली को मार गिराया। हालांकि इसके पहले भी हमने देखा बालाघाट के आसपास के रीजन में खासतौर पर नक्सली अपनी पेट मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि मध्य प्रदेश में नक्सलियों को हम पनपने नहीं देंगे। चलिए और ज्यादा जानकारी लेंगे इस पूरी खबर पर। हमारे साथ महाकौशल ब्यूरो चीफ निशांत बिसेन जी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। निशांत जी, जरा समझाएं, ये जो बड़ी मुठभेड़ हुई है और समझा जा सकता है 12 लाख का इनाम था नक्सली पर जो मारा गया है, काफी खूंखार नक्सली था। जी दीपक, अगर आज की हम घटनाक्रम की बात करें तो एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर पुलिस को, हॉक फोर्स के जवानों को मिली है। मलाजखंड थाने के हर्रा टोला में एक नक्सली रूपेश को जवानों ने मार गिराया है। पुलिस लगातार फ्रंट फुट पर काम कर रही है। नक्सल मोर्चे की अगर हम बात करें तो इससे पहले भी 30 नवंबर को एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था जिसमें 2 हार्डकोर नक्सली मारे गए थे। उसके बाद 15 दिन के अंदर लगभग ये दूसरी बड़ी सफलता है, और अगर इस पूरे साल की बात करें तो ये तीसरा बड़ा एनकाउंटर है। 20 जून को भी इससे पहले बालाघाट जिले में ही 3 नक्सली मारे गए थे। तो इस साल का अगर हम टैली देखें तो 6 नक्सली पुलिस ने मार गिराए हैं। आज की घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब 15 दिन पहले पिछला ऑपरेशन हुआ था तो पुलिस ने अपनी सर्चिंग तेज कर दी थी, हाई अलर्ट पर थी पुलिस, और माना जा रहा था कि नक्सली किसी तरीके से रिटेलिएट कर सकते हैं, किसी तरीके से जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। पीजीएलए सप्ताह भी उन्होंने मनाया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस की सर्चिंग काम आई इन इलाकों में। ये बेहद घना इलाका है, घना सघन जंगल का इलाका है। दीपक, आपको बता दूं कि एक तरफ मंडला जिला है, एक तरफ छत्तीसगढ़ का कवर्धा जिला है, और ये जो इलाका है मंडला मलाजखंड बैहर का, यह लगभग कान्हा नेशनल पार्क से सटा हुआ है। तो मध्य प्रदेश के सबसे घने जंगलों में से एक है। यहां बहुत दुरूह परिस्थितियां होती हैं पुलिस के लिए, बावजूद इसके पुलिस लगातार सर्चिंग करते रहती है, और आज एक बड़ी कामयाबी के रूप में यहां पर इसका रिजल्ट सामने आया है। दीपक, चलिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक बड़ी उपलब्धि है पुलिस बल के, सफलता हाथ लगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए निशान जी, इस खबर पर बातचीत करने के लिए। हॉक फोर्स को दरअसल ये सफलता हाथ लगी है। आज सर्चिंग के दौरान जब टीम निकली थी और मुठभेड़ का सामना करना पड़ा टीम को, क्रॉस फायरिंग हुई दोनों तरफ से, लेकिन 12 लाख के इस इनामी नक्सली को जवानों ने मार गिराया।